बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपना बहुत सा ख्याल रखते होंगे। स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू, तो हमारा चल रहा था टॉपिक उफ मेरे दांत, तो अभी हम इसके करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, हमने इसके क्वेश्चन आंसर जो थे आपके 1, 2 एंड 3 तो कर लिए थे। आई होप आपने अपने रिटन टास्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। अभी हम करने जा रहे हैं 4th एंड 5th। ठीक है, डॉक्टर ने दांत खराब होने और कीड़ा लगने की क्या वजह बताई। ये तो मोस्ट कॉमन है, हमें भी पता है कि अगर हम अपने दांत डेली ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर ने क्या बोला, वक्त पाबंदी से दांत साफ नहीं करते इसलिए आपके दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो गया है। तो हम लिखेंगे, डॉक्टर ने बताया कि अगर ये आप टॉपिक तो आपको आता ही लिखना, डेट डे एंड डे सब कुछ, तो मैं इसका आपको उर्दू में खुद से ही लिख के बता देती हूँ। ये मेरे पास वही वाला क्वेश्चन चल रहा था कल जो मैंने आपको लिखा, यही आपका डेट आज आ जाएगी जुमेरात। ठीक है, वो तारीख नहीं, उनवान अगेन अपना लिखें। आंसर है हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन था हमारे पास, डॉक्टर ने दांत खराब होने और कीड़ा लगने की क्या वजह बताई। आप नया शुरू करेंगे घर का काम, ठीक है, ऐसे का पूरा टॉपिक अगेन लिखेंगे। लिखेंगे, डॉक्टर ने बताया कि अगर पाबंदी से दांत साफ ना किए जाएं, अपनी मार्जिन लाइन आपने ड्रॉ करनी है, तो दांतों में कीड़ा लग जाता है और खराब हो जाते हैं या और दांत खराब हो जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर ने बताया कि अगर पाबंदी से दांत साफ ना किए जाएं तो दांतों में कीड़ा लग जाता है और दांत खराब हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया जी दांत खराब होने की वजह। उमर ने दिल ही दिल में अपने आप से क्या वादा किया, तहरीर कीजिए। उमर ने क्या वादा किया जी, उमर ने दिल ही दिल में खुद से वादा किया कि अम्मी अब मैं आपके कहने से पहले ही दांत साफ कर लिया करूंगा। आपने ये पूरा लिख लेना है क्वेश्चन 5 का आंसर। उमर ने दिल ही दिल में खुद से वादा किया, क्योंकि ये उसने अम्मी, तो उसकी वर्डिंग हम उसी की तरह रहने देंगे, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, उस हम क्या लिखेंगे, उमर ने दिल ही दिल में खुद से वादा किया कि अम्मी अब मैं आपके कहने से पहले ही दांत साफ कर लिया करूंगा। ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th है वो पेज नंबर 10 पे आपका होगा। आज आपने जस्ट 2 क्वेश्चन आंसर ही करने हैं, क्योंकि कल 2-3 हमने कर लिए थे, तो जो पीछे रह जाएंगे आपके ये अल्फाज जुमले ये भी हम इंशाल्लाह कर लेंगे। तब तक अपना आपने बहुत सा ख्याल रखना है। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज। सॉरी, ये तो हमने अल्फाज जुमले कर लिए हैं, अल्लाह हाफिज।